तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का रील काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ इसी टाइप का रील को एडिटिंग करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। तो चलते हैं अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को एक बंदा का पेज मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जो कि इसी टाइप का कैटेगरी का यहाँ पे रील को अपलोड करता है। यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे व्यूज़ आ रहा है इस बंदे का पेज पे। तो आप लोग भी कुछ इसी टाइप का एडिटिंग करके ढेर सारा व्यूज़ ला सकते हो अपने इंस्टाग्राम के पेज पे। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले तो आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि यार कि मटेरियल्स कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आप लोग को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। एंड यहाँ पे आप लोग को सारा मटेरियल्स वगैरह मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप लोग डाउनलोड कर ले तो अब आप लोग को पिक्सेल ऐप का जरूरत पड़ने वाला है। तो पिक्सेल ऐप को आप लोग को डाउनलोड करके ओपन करना है। एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसको डिलीट कर देना है ऊपर से। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऊपर में थ्री डॉट आप लोग को दिखाई देता है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो यहाँ पे देख सकते हो इमेज साइज आप लोग को दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो 1280 को इरेज कर देना है, 9 लिखना है एंड यहाँ पे 16 लिखना है एंड ओके करना है आप लोगों को। एंड यहाँ पे जैसे ही ओके करते हो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का साइज बन जाता है 960 का। अब आप लोग को बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हो आप कलर वाला ऑप्शन आप लोग को दिखाई देता है, इस पर क्लिक करके आप लोग को कलर पर आ जाना है। एंड कलर को आप लोग को ब्लैक रखना है बैकग्राउंड का कलर। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अब आप लोग को ऊपर में प्लस का आइकन में क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम गैलरी में आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो आप लोगों का गैलरी ओपन हो जाता है। एंड मैं टेलीग्राम पे काफ़ी ज़्यादा इस टाइप का यहाँ पे पिक्स दे दिया हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद ऐड करने के बाद इस वाले सर्कल पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही सर्कल पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आप लोग को एडजस्ट करके अच्छे से सर्कल एक बना लेना है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही सर्कल बना लेते हो अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एंड नीचे देख सकते हो आप लोग को राइट एक यहाँ पे देख सकते हो राइट बटन आप लोग को दिखाई देगा। आप लोग जैसे एडजस्ट हो जाता है आप लोग राइट बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप लोग को यहाँ पे इसका साइज़ को छोटा करना है। यहाँ पे आप लोग को साइज़ को 40 के आसपास आप लोग रखना है। एंड रिलेटिव पोजीशन पे आके आप लोग को बिल्कुल सेंटर पे लेके आ जाना है। एंड आप लोग को स्टॉक को इनेबल आप लोग चाहो तो कर सकते हो। स्टॉक इनेबल करने के बाद आप लोग को और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है यहाँ पे देख सकते हो PNG। यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक जैसे ही इनेबल कर लेते हो अब आप लोग को फिर से यहाँ पे फ्रॉम गैलरी में क्लिक करना है प्लस आइकन में क्लिक करके। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो आइकॉन यहाँ आप लोग को दिखाई देगा इसको आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हो नोट्स वाला आइकन। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बड़ा करने के बाद आप लोग को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से एडजस्ट। तो यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, इस पर भी आप लोग को स्टॉक को इनेबल करना है एंड स्टॉक का कलर आप लोग का व्हाइट रहेगा। आप लोग को वापस से यहाँ पे प्लस आइकन में क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देना है। आप लोग को एक और आइकन आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, ये PNG वाला आइकन। तो इसको भी आप लोग को ऐड कर लेना है एंड इसका भी साइज को पहले छोटा कर लेना है एंड फिर स्टॉक को आप लोग को इनेबल कर लेना है। तो मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। यहाँ पे देख सकते हो हमारा अच्छे से एडजस्ट हो जाने के बाद अब आप लोग को प्लस के आइकन में क्लिक करके न्यू टेक्स्ट को ले लेना है। एंड आप लोग को जो भी शायरी वगैरह आप लोग लिखना चाहते हो आप लोग को गूगल से कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब आप लोग को पेस्ट हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को एलिगिन वाला ऑप्शन आप लोग को दिखाई देगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है एंड सेंटर पर क्लिक करना है। बिल्कुल आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट सेंटर पर आ जाएगा। तो अब आप लोग को देख सकते हो साइज़ को छोटा कर लेना है यहाँ पे कुछ स्टेप से, यहाँ पे 30 के आसपास आप लोग रख सकते हो एंड एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं किया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे इंडियन फोन कन्वर्टर आप लोग को ऐप का जरूरत पड़ेगा, आप लोग को इसको गूगल प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड नंबर में आप लोग को यूनिक कोड कृत्रिम देव करके आप लोग को दिखाई देगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। आप लोग को दो बॉक्स आप लोग को दिखाई देगा, फर्स्ट बॉक्स में आप लोग को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, हरे कृष्ण या फिर कृष्ण वगैरह। अब आप लोग को यूनिक कोड में क्लिक करके नीचे से कॉपी कर लेना है, आप लोग को यूनिक कोड कॉपी हो जाएगा। तो अब आप लोग को यहाँ पे वापस से पिक्सेल ऐप पर आ जाना है, न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो जो भी यूनिक कोड आप लोग को कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड अब आप लोग चाहो तो यहाँ पे कोई भी इमोजी को यहाँ पे रख सकते हो, तो मैं रख लेता हूँ एक इमोजी को। यहाँ पे देख सकते हो इमोजी भी ऐड हो चुका है, अब आप लोग को ओके करना है। इस पर आप लोग को एक फ़ॉन्ट को अप्लाई करना है। तो दोस्तों माई फ़ॉन्ट्स में आ जाना है आप लोग को। माई फ़ॉन्ट्स में आप लोग जैसे ही आ जाते हो ये वाला फ़ॉन्ट्स आप लोग को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना हिंदी वाला फ़ॉन्ट। तो आप लोग को कौन सा फ़ॉन्ट अप्लाई करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं आप लोग को पहले ढूंढ लेता हूँ वो फ़ॉन्ट। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला फ़ॉन्ट आप लोग को अप्लाई करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख लेना एंड फ़ॉन्ट को अप्लाई कर लेना एंड फ़ॉन्ट आप लोग को हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप लोग अप्लाई हो जाने के बाद यहाँ पे जो इमोजी आप लोग का है आप लोग को इमोजी को सिलेक्ट करना है एंड ऊपर में सर्च करना है iOS करके आप लोग को सर्च करना है। जैसे ही आप लोग iOS करके सर्च करते हो iOS वाला यहाँ पे इमोजी पे फ़ॉन्ट को अप्लाई कर लेना है एंड इसका साइज़ को थोड़ा सा आप लोग को बड़ा कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हो हरे कृष्ण का। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे साइज़ भी बड़ा हो चुका है। अब आप लोग इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड आप लोग को ढेर सारा लेयर्स है यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा, तो नीचे पे इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड सारे लेयर्स को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है।
जैसे आप लोग सिलेक्ट कर लेते हो, आप लोग नीचे भी देख सकते हो ये वाला ऑप्शन आप लोग को दिखाई देता है डिलीट वाला, तो इस पर आप लोग को क्लिक करके सारे लेयर को डिलीट कर लेना है एंड वापस से इसी वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है एंड आप लोग को रिलेटिव पोजीशन पे आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हो इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके एंड यहाँ पे देख सकते हो दोनों बटन पे आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो बिल्कुल सेंटर पे आ जाता है आप लोग का सारा लेयर। अब दोस्तों आप लोग इसको आप लोग को सेव करना है, तो दोस्तों आप लोग को पिक्चर को सेव करने के लिए आप लोग देख सकते हो सेव वाले बटन में क्लिक करना है एंड पीएनजी को सिलेक्ट करना है एंड अल्ट्रा एंड सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करते हो आप लोग का पिक्चर सेव हो जाता है। अब वीडियो बनाने के लिए लाइट मोशन को ओपन करना है, प्लस का आइकन में क्लिक करना है आप लोग को। यहाँ पे देख सकते हो 916 का रेशो आप लोग सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे जो सेटिंग आप लोग को रहने देना है। यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा अपडेट यहाँ पे आप लोग को करना पड़ेगा, मैं कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे जो भी परमिशन मांगेगा आप लोग को सारा अलाउ करते जाना है और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को गैलरी ओपन हो चुका है, आप लोग को पिक्चर को ऐड कर देना है एंड जितना भी आप लोग को लेंथ रखना है अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हो 5 सेकेंड या फिर 6 या फिर 7 सेकेंड, तो यहाँ मैं 6 के अप्रोक्स रखता हूँ एंड यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा लेयर है आप लोग को कट कर देना है। दोस्तों आप लोग को वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है एंड म्यूजिक का बात करें तो आप लोग को इंस्टाग्राम से यूज़ करना है एंड काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे सेटिंग्स आप लोगों को कर लेना है एंड 1080p में आप लोगों को रखना है एंड देन आप लोग को एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होने वाला है, तो यहाँ पे आप लोग को सेव वाले बटन में क्लिक करना है एंड वीडियो आप लोग का सेव हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर से मिलते हैं कुछ इस टाइप के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।